लगता है कि मैं आपके भाई की तरह हूँ। अगर आपको लगता है सही में आप मुझे अपना भाई मानते हो तो आप मुझे रास्ता दो। कुछ कायर लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बच्ची को बिना क्रियाकर्म के यह सपना दिया था। ये पास में जो भी है, कुछ चीजें हैं ऐसी दोस्तों इस बच्ची के बारे में जिन लोगों ने इस प्यारी बच्ची को एक मजाक बना के रख दिया इस लोकेशन पे आने के बाद में, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। मगर अभी इस समय मेरे सामने एक मासूम की आत्मा मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर उसी लोकेशन के ऊपर जिस लोकेशन के बारे में आपने इतने कमेंट कर दिए यार कि मैंने मेरे चैनल के ऊपर आज तक इतने कमेंट किसी भी वीडियो के लिए ना तो देखे थे और ना मैंने महसूस करा ऐसा कभी भी कि मुझे ऐसी लोकेशन के ऊपर इतना जल्दी वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इतने कमेंट आए, उसके अलावा जो विजेंद्र भाई अभी इन दिनों में मेरे साथ में विजिट कर रहे हैं लोकेशन, उनका फोन आया और उनका कहना था कि यार जितेंद्र भैया मुझे आपकी वो लोकेशन देखनी है जहाँ पे आपने एक भूतिया बच्ची दिखाई थी जिसको एक सौतेली माँ ने मार के और वहीं पे दफना दिया था। उस लोकेशन पे मुझे जाके देखना है कि रियल के अंदर वो लड़की वहाँ पे दिखाई देती है या नहीं देती है। विजेंद्र भाई, हाँ भैया, लोकेशन पे पहुंच चुके हैं अपन और आज देखना है कि यहाँ पे वो बच्ची अभी भी नजर आती है या नहीं आती है। दोस्तों आप हाथ में देख रहे होंगे यार जो कमेंट आ रहे थे, उन कमेंटों को मैंने बहुत गौर करके पढ़ा था। उन कमेंट में ये था कि जितेंद्र भैया उस लोकेशन पे अगर हमारी बात मान के अगर जाते हो आप, उस बच्ची के लिए कुछ मीठा लेके जाना। और मीठे के अंदर आप सब जानते हो यार दोस्तों, जो बच्चे होते हैं उनको टॉफी बहुत ज्यादा पसंद होती है। इस बच्ची के लिए मैं आज टॉफी लेके आया हूँ और इस लोकेशन के ऊपर। भैया आवाज आई ना किसी, आवाज आ रही है जैसे। दोस्तों मेरे लिए तो नहीं तो यार इस ऐसी बच्ची के लिए एक वीडियो को लाइक दे देना अगर वो आज यहाँ पे नजर आती। भैया वापस आ रही आवाज। दोस्तों रात के 12:30 बज चुके हैं इस लोकेशन के ऊपर। मैं ये नहीं कहता हूँ इस बच्ची की आत्मा हमारे लिए कोई खतरा हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं जब ऐसी लोकेशन पर जाते हैं तो खतरा इस बात का होता है क्योंकि जो मासूम होते हैं जिनकी आत्माएं होती है उनसे बुरा काम कराने के लिए कुछ तांत्रिक लोग किसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। और मैंने ये पिछले वीडियो में भी बोला था आपको, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा डर है क्या कोई तांत्रिक यहाँ आके अपने काबू में कर चुका है, यहाँ पे क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है इस लोकेशन के ऊपर। भैया ऐसे ऐसे मुझे डर लग रहा है। भैया आप ऐसे बोल के मुझे डराओ मत। भैया आप बेफिक्र रहो, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ में है, उनकी सेफ्टी आपके जेब में, आप आ जाओ। हाँ भैया। भैया 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 कुछ है आगे। डरो मत, ये मुझे बहुत अच्छे से जानती है भैया। ये मुझे बहुत अच्छे से जानती है भैया। मैं तो पहली बार आया हूँ भैया। पहली बार आया हो ना, वीडियो तो आपने देखी है ना। हाँ भैया। आपने देखा ना कि कितनी मासूम है। हाँ भैया। बस आप घबराओ मत बिल्कुल भी, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ भैया बिल्कुल भाई, थोड़ा आगे हो। घबराओ मत बिल्कुल भी आप। भैया आपके हाथ में मीठा भी है। भैया घबरा मत यार, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यार। एक बार जो चीज मैं देख रहा हूँ वो देख पा रहे हो क्या आप? एक सेकेंड, थोड़ा आगे हो। कुछ अजीब सा महसूस हुआ था यार मुझे। भैया ये सच में ही वो लड़की है? वही है, मेरा दिल कह रहा है वही है। इसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्या बेटा? आपने मुझे पहचान लिया बेटा? मैं आपके भलाई के लिए यहाँ पे आया हूँ, आपके प्यार के लिए यहाँ पे आया हूँ। शायद आपको बुरा लगा होगा
मेरी कई बातों से, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपकी कब्र को देखना चाहता हूँ, उस कब्र के ऊपर जाके कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। बेटा क्या आप मुझे रास्ता दे सकते हो? क्या बेटा आप मुझे रास्ता दे सकते हो? भैया हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, देखो 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 देखो। हाँ भैया, हाँ भैया, देखो 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 भैया, भैया भैया आगे मत जाओ भैया, आगे नहीं जा रहा हूँ मैं भैया, वो बुला रही है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। बेटा मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं आपके भाई की तरह हूँ, अगर आपको लगता है सही में आप मुझे अपना भाई मानते हो तो आप मुझे रास्ता दो अपनी कब्र के लिए। भैया जा रही है वो, भैया भैया घबराओ मत, घबराओ मत बिल्कुल भी भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। दोस्तों आप सबको मालूम है इस बच्ची के साथ में बहुत बुरा हुआ था, इस बच्ची को अपनी माँ ने मार दिया था इसी लोकेशन के ऊपर। और जिसको भी यहाँ की कहानी पता नहीं हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं सारी वीडियो का लिंक दे दूँगा, उसको जाके देखो और वो कहानी उसी वीडियो में आपको मिलेगी। भैया थोड़ा सावधानी से, भैया वो कहीं पे भी छुप सकती है। भाई डर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके गांव के अंदर, इस बच्ची के गांव के अंदर जब मैं गया था, वहाँ पे मुझे विजेंद्र भाई ये बोला कि कुछ तांत्रिक लोग हैं जो इस बच्ची की आत्मा को अपने वश में करना चाहते हैं। इस बात का डर है कि ये मुझे कोई हार्म ना पहुँचा दे। वही तो भैया डर मुझे भी लग रहा है। आप तो पहले मिले हो भैया, मैं तो पहली बार आया हूँ। तो आप मेरे पे थोड़ा सा विश्वास रखो, ऊपर वाले श्री हरि के ऊपर विश्वास रखो। ठीक है भैया। भैया जल्दी इधर लाइट करना। दोस्तों वो बच्ची कहीं पे भी नहीं गई है, वो बच्ची यही है। मैं वादा करता हूँ आपको, वो बच्ची अभी यहाँ पे, मैं जब बुलाऊंगा वो मेरे सामने आएगी। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आपको पेड़ का तना दिख रहा है ये आम तना नहीं है, इस तने के ऊपर यहीं से इस बच्ची की मौत हो गई थी। ये तना एक मौत का गवाह बन चुका था उस समय। और कुछ कायर लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बच्ची को बिना क्रियाकर्म के यहाँ दफना दिया था, इसीलिए इस बच्ची की आत्मा यहाँ पे आज भी भटकती है। मुझे कुछ आवाज आ रही है उधर से, इधर से, इधर से। नोटिस करो, नोटिस करो, कुछ नजर आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे एक सस्पेंस बना हुआ है, यहाँ पे एक कब्र नहीं है, यहाँ पे दो है। वो दूसरी किसकी है मुझे पता नहीं है। क्या किसी तांत्रिक ने यहाँ पे कुछ करा है मुझे पता नहीं है। क्या कोई दूसरा बच्चा ऐसा है जिसको यहाँ पे दफना दिया था मुझे पता नहीं है। भैया जो भी करो थोड़ा सावधानी से। भैया गुरुदेव का आशीर्वाद है आपके पास में। इस तरफ से आवाज, विजेंद्र भाई। हाँ भैया, इस तरफ से आवाज, उस कब्र की तरफ से आवाज आई है। भाई क्या हो सकता है, एक बार इधर आना। हाँ भैया, उस कब्र की तरफ से आवाज आई मुझे। भैया भैया दूर से, भैया बेटा आप यहाँ पे अभी मौजूद हो? देखो बेटा हम आपके अपने भाई की तरह हैं। बेटा एक बार मेरे सामने आओ, बेटा आप मेरे सामने आ सकते हो एक बार। नहीं आना भैया, कब्र के आसपास बहुत ज्यादा पेड़ हो चुके हैं, यहाँ पे एक बार हो आगे हो। देखो सामने उसकी कब्र हो रही, आप देखना चाहते थे ना? हाँ भैया, देखते ना उस कब्र को, मेरे को देखना अपनी आंखों से। मैं नहीं जाऊंगा भैया पास में। यहाँ आ जाओ, मैं कह रहा हूँ, आप घबराओ मत। वो देखो वो कब्र। भैया बस मैं आगे नहीं जाऊंगा। आपको कैमरे में नजर आ रही है? हाँ भैया, ये वही कब्र है जिसके लिए आपने मुझे बोला था कि उस कब्र के पास में मुझे जाना है, उस कब्र को देखना है। नहीं भैया, वो कब्र है भैया, पास में मत जाओ भैया। दोस्तों घबराहट इस बात की है क्योंकि मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ मैं कि कुछ ऐसे लोग हैं
जो काला जादू करते हैं वो यहाँ पे आए थे, उस बच्ची के साथ में यहाँ पे क्या करा मुझे पता नहीं है। आपके कमेंट आए थे इसलिए मैं इस लोकेशन को दोबारा विजिट करने आया हूँ। भैया बेटा यहाँ पे हो आप? भैया पीछे से आती हुआ, पीछे से। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, पास में हो, पास में हो। भैया इधर देखना एक बार, इधर आके देखना एक बार। हाँ भैया, कौन है, कौन है? इधर देखो। क्या बेटा आप यहाँ पे महसूस, हम आपको महसूस कर सकते हैं क्या? हमें महसूस करा सकते हो आप? भैया पीछे देखना एक बार, आवाज आई। ओ भैया वो रही, वो रही, वो टंकी पे, टंकी पे, टंकी पे। भैया भैया घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत भैया, घबराओ मत भैया, पास में मत जाओ भैया। कुछ चीजें हैं ऐसी दोस्तों इस बच्ची के बारे में, जिन लोगों ने इस प्यारी बच्ची को एक मजाक बना के रख दिया इस लोकेशन पे आने के बाद में, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। मगर अभी इस समय मेरे सामने एक मासूम की आत्मा मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे जो बोलना है मैं आगे बोलूंगा, मगर अभी इस समय मैं इस बच्ची से बात करना चाहता हूँ। क्या ये बच्ची मुझे कोई हार्म पहुंचा सकती है, कोई तकलीफ दे सकती है मुझे? क्या आज भी इस बच्ची के मन में मेरे लिए कुछ प्यार मौजूद है या नहीं है? दोस्तों ये चीज देखेंगे। इस बच्ची के लिए एक इस वीडियो को लाइक कर दो यार, इस आत्मा के लिए लाइक कर दो यार, एक मासूम की आत्मा है ये। भैया थोड़ा सावधानी से भैया, भैया हाथ से कुछ कर रही है, देखो देखो देखो। हाँ भैया, हाँ भैया, भैया मेरी धड़कन तड़क रही है तेज तेज। भैया हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, बिल्कुल आप थोड़ा सा आगे आ सकते हो? बस भैया इससे आगे नहीं आऊंगा मैं। दोस्तों यार विजेंद्र भाई बिल्कुल नए हैं लोकेशन पे आए, वो ही बड़ी बात है मेरे लिए। दोस्तों देखते हैं कि आज ये ट्रॉफी कबूल करती है या नहीं करती है। बेटा मैं आपके लिए आपकी फेवरेट ट्रॉफी लेके आया हूँ, क्या आप इस ट्रॉफी को कबूल करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि मैं आपका भाई हूँ? क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ? विजेंद्र भाई मैं थोड़ा आगे जाऊँ? नहीं भैया, भैया ये हाथ ऊपर करिए, भैया भैया पीछे आ जाओ प्लीज। भैया भैया ये क्या क्या बताना क्या चाह रही है? ये बताना चाह रही है अगर आप मुझे ट्रॉफी देना चाहते हो तो मेरी कब्र के ऊपर रख के आओ। ये मैं खुद सोच के आया था कि आज मैं इस बच्ची के इसके पास में ट्रॉफी रखूंगा, मगर खुद ने इशारा कर दिया। बेटा मैं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने मेरा तोहफा कबूल करा है, ये ट्रॉफी कबूल करी है। भैया फटाफट आओ भैया, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, घबराओ मत, आप उस कब्र से बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं ना आपके साथ में। भैया दूर से, दूर से नहीं, मैं इसके पास में जाऊंगा बिल्कुल। ओ भैया घबराओ मत, आवाज है, मुझे पता आवाज आई है, मुझे पता है आवाज आई है, मगर आप घबराओ मत बिल्कुल। भैया जैसे कोई चलने की आवाज आई है। क्या ये ट्रॉफी मेरी कबूल कर ली गई है? मुझे पता नहीं है, खुद ने इशारा करा इस बच्ची की आत्मा ने कि यहाँ पे ट्रॉफी रखो मेरी कब्र के ऊपर। क्या आपको मेरा ट्रॉफी देना सही लगा? अगर लगा तो प्लीज एक प्यारा कमेंट कर देना। भैया वापस चलते हैं वहीं पे। भैया उसके है ना पाँव के चलने की आवाज आ रही है मुझे। भैया वो देखो खड़ी, अभी भी खड़ी है। हाँ भैया, भैया आपने सही जगह तो रखी ना भैया, कहीं भैया पता है कई बार मैं यहाँ पे आके वो इस बच्ची के लिए अपने गुरुदेव से बात कर चुका हूँ। हाँ भैया, मगर गुरुदेव हमेशा मुझे ये बोलते हैं सही समय आने दो, सही समय आने दो, इस बच्ची का समय आने दो। जब तक इस बच्ची की आत्मा का समय नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इस बच्ची की आत्मा को मैं यहाँ से मुक्ति दिला दूँ। गुरुदेव से बड़ा मैं नहीं हूँ,
गुरुदेव की पावर के आगे मेरी पावर कुछ भी नहीं चलती है। गुरुदेव का आशीर्वाद आज मेरे साथ में, इसलिए इस आत्मा के सामने मैं खड़ा हूँ और सुरक्षित खड़ा हूँ। मुझे खुद को डर है, मगर इस बच्ची की आत्मा के सामने मैं विवश हूँ आपसे बात करने के लिए, इसको देखने के लिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप सब ने कहा है जितेंद्र भैया अपने गुरुदेव से बात करके इसको बच्ची को मोक्ष दिला दिया जाए, मगर मैं नहीं दिला सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं कुछ समय, जब समय आएगा जब मैं खुद बोलूंगा। दोस्तों मैं इससे ज्यादा से ज्यादा मैं इससे बात करके जा सकता हूँ। बेटा मैं आपके घर पे गया था, आपके पिताजी आज भी जब भी आपके बारे में बात करते तो वो रोने लग जाते हैं बेटा, और वो मनुष्य औरत को ना तो मैंने देखा है, पता नहीं है मुझे कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मगर जो गठिया हरकते उसने आपके साथ करके आपकी जान ले ली, इस बात का दुख जरूर। चलो क्या हुआ भैया, भैया क्या हुआ भैया, अजीब सी आवाज आई। वो भैया वो पहले भी आ रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ आवाज आई है यहाँ। हाँ भैया। दोस्तों क्या वो आवाज अभी जो मुझे आई वो आपको आई? भैया एक टॉफी कहीं पे? हाँ भैया एक टॉफी नहीं है वहां पे, भैया एक टॉफी नहीं है भैया, वो दूसरी कवर वाली टॉफी का रेपर है, सिर्फ टॉफी गायब हो चुकी है उसमें से। इसका मतलब इस बच्ची ने टॉफी मेरी कबूल कर ली दोस्तों, इस टॉफी का रेपर जरूर पड़ा है मगर टॉफी नहीं है। मैं अभी इस समय उस कवर के ऊपर जो मैं मीटर रख के आया हूँ उसका पैकेट खुल चुका है, और इस समय मैं उस कवर के पास में नहीं जाऊंगा। ये अब सेफ नहीं है बिल्कुल, ये अब बिल्कुल सेफ नहीं जगह भैया, प्लीज उससे बात करते हैं। आ जाओ भैया, चलो प्लीज बात करते हैं, आ जाओ फटाफट। ओ भैया गई, वो तो वो इसलिए गई है, वो टॉफी का रेफर जो पड़ा ना। हाँ भैया उसे टॉफी उसने खा ली है दोस्तों। अरे भैया मैंने पूरी कोशिश करी है, मेरे गुरुदेव से बात करी है मैंने इस बच्ची की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए। मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था दोस्तों, मगर आपके निरंतर कंटिन्यू कमेंट आ रहा था कि भैया आवाज आ रही वापस जाने की, शायद वो दूसरे कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि इस बच्ची के लिए एक बार वापस वहां पर जाओ और हमें दिखाओ। और विजेंद्र भाई का भी फोन आया कि इस लोकेशन को मुझे देखना है, इसलिए मैं यहाँ पे आएगा। भैया आ जाओ भैया जल्दी। अगर बेटा अगर तुम्हें लगता है कि मैंने आज तुम्हें टॉफी देके तुम्हें खुश करा है, तो मैं आपको एक बार वापस जाते हुए देखना चाहता हूँ। आपको आपकी पापा की कसम है, आपको आपके भगवान की कसम है, मेरे सामने जरूर आना आप। हाँ भैया वो इस हैंडपंप के ऊपर दिखेगी, मुझे पहले भी दिख चुकी है। भैया हैंडपंप पे देखना, वो भैया वो खड़ी भैया, जब भी मैं इसको पुकारता हूँ ना इसी हैंडपंप के ऊपर वापस आके खड़ी हो जाती है दोस्तों। ये आ जाओ विजेंद्र भैया, ये हूँ आप। इस बच्ची का क्या कसूर था दोस्तों, इस बच्ची का क्या कसूर था? ये मासूम आज जो जिंदगी जी रही है वो एक प्रेत योनी है। प्रेत योनी जब मिलती है, जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है भैया, इसको कारण मौत हो जाती है। भैया इसको जल्दी से यहाँ से मुक्ति दिलाओ भैया, ये इस वीरान जंगल में। मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्या बेटा? मैं जा सकता हूँ यहाँ से? ओ भैया वो टाटा कर रही है भैया, बाय। हाँ भैया लव यू बेटा, मैं बहुत जल्दी यहाँ आपको मुक्ति दिलाने के लिए आऊंगा। भैया फटाफट चलो। हाँ भैया